दोस्तों जब भी कभी आप किसी सीएसए सेंटर या ईमित्र सेंटर पर जाते हैं कोई फॉर्म भरवाने के लिए तो वो आपसे कई बार कहते हैं कि आपका काम नहीं हो पाएगा। आप उससे पूछते हैं क्यों, तो वो कहते हैं नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्वर नहीं चल रहे, सर्वर डाउन है, सर्वर अपग्रेड हो रहे हैं या सर्वर में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आपने सोचा होगा कि सर्वर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि सर्वर क्या होता है और कैसे काम करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सर्वर होता क्या है। सर्वर एक वो कंप्यूटर होता है या फिर वो कोई हार्डवेयर भी हो सकता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी एक कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। उसमें आप कोई भी फाइल अगर इंटरनेट के जरिए अपलोड करते हैं, जैसे कि ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये मैंने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। ये वीडियो आप कहीं दूर किसी सर्वर पर होगा यानी किसी कंप्यूटर की किसी हार्ड डिस्क में होगा या फिर कोई बड़े सर्वर के अंदर हो सकता है, जैसे कि गूगल के डेटा सेंटर होते हैं वैसे किसी डेटा सेंटर की किसी हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, वहाँ से ये आप तक आ रहा होगा। यानी कि जहाँ पर ये वीडियो सेव है उसे हम सर्वर कहते हैं, चाहे वो सर्वर कोई बड़ा हार्ड डिस्क हो सकती है या फिर कई सारे हार्ड डिस्क को मिलाकर एक बड़ा सर्वर बनाया जा सकता है या फिर कोई एक कंप्यूटर हो सकता है, ये होते हैं सर्वर। अब बात करते हैं कि इन सर्वर की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लो आपके पास कोई डेटा है, यानी ये आपने कोई फेसबुक पर कई साल पहले फोटो अपलोड की थी जब फेसबुक बना था या फिर जब यूट्यूब बना था, यानी कि 2005 या 2006 में आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो आपको आज भी वहीं पर मिलेगा क्योंकि जो हमारे सर्वर्स हैं उन्होंने उस डेटा को वहाँ पर सेव करके रखा है, वहाँ से ये आपको मिलते रहते हैं। बाकी सर्वर कितने प्रकार के होते हैं, सर्वर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि फाइल शेयरिंग सर्वर हो सकता है, ईमेल सर्वर हो सकता है और साथ ही साथ स्टोरेज सर्वर हो सकता है और जितने भी कई वेबसाइट होते हैं जो सिर्फ अपने सर्वर पर काम करती है, जैसे कि व्हाट्सएप है ये सिर्फ फाइल शेयरिंग के जरिए काम करती है, और अगर कोई और साइट हो जैसे कि जिप्पी सर्वर आपने नाम सुना ही होगा, ये सिर्फ फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए काम में दी जाती है जो इंटरनेट के जरिए होता है। और यूट्यूब ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो किसी अलग सर्वर पर काम करता है। अब बात करते हैं सर्वर आप कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक सर्वर वो जो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी काम लेते हैं और एक सर्वर वो जो आप अपने घर पर किसी कंप्यूटर के जरिए बना सकते हैं, यानी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर उसके जरिए आप अपने घर में भी कोई सर्वर बना सकते हैं, और एक वो सर्वर जो फाइल शेयरिंग या फिर डेटा शेयरिंग के काम आता है या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के, वो होगा सर्वर। अब बात करते हैं कि सर्वर में क्या होता है, क्या एक कोई सर्वर में कोई इंसान काम करता है या फिर मशीनें। जी नहीं, सर्वर में कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता क्योंकि एक इंसान पूरी दुनिया के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकता, ये सारा काम मशीनों के जरिए होता है। आप वहाँ पर हाई एंड सीपीयू लगे होते हैं जो डेटा को यहाँ से वहाँ पर शेयर करते हैं। मान लो आपने कोई गूगल पर कोई सर्च किया, वो आपको किसी सर्वर में कहीं स्टोर होगा, वहाँ से वो मशीन आपको इंफॉर्मेशन देगी कि आपने जो सर्च किया उसकी इंफॉर्मेशन ये है, ये होते हैं सर्वर का काम, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। अब बात करते हैं कि सर्वर फैल, सर्वर लोड, ये मैसेज क्यों आते हैं। मान लो आपके पास कोई सर्वर है यानी ये आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 6 GBPS की और आप उसके अंदर 6 GBPS का पूरा काम हो रहा है, यानी कि उस हार्ड डिस्क में आप इतना डेटा डाल रहे हैं कि वो 6 GBPS की स्पीड के साथ भर रहे हैं। अब कोई दूसरा यूजर उसी हार्ड डिस्क में कुछ और डालेगा तो उस सर्वर में और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है नहीं उसका कि 6 GBPS ज़्यादा स्पीड ले सके, तो यानी कि दूसरा यूजर आया उसकी तो उसमें जा नहीं सकता, इसके मतलब उसको दिखाया सर्वर लोड यानी या सर्वर फेल, यानी ज़्यादा लोड हो गया इसके अंदर सर्वर फेल। अगर इस हार्ड डिस्क में आप 6 GBPS की स्पीड तक डेटा डाल सकते हैं, अगर उससे ऊपर की स्पीड का डेटा आया तो ये उसको नहीं ले पाया क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये होते हैं सर्वर फेल या सर्वर लोड के कारण। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल चुका होगा सर्वर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और ये क्यों फेल होते हैं। Thanks for watching. Please click like, subscribe and share. I will see you in next one.